के महिषी प्रखंड के राजनपुर पंचायत में स्थित वार्ड नंबर 12 में आज तक शिक्षा की ज्योत नहीं जल पाई है। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण आज तक इस इलाके में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों से कोई भी मुखिया हमारी समस्या के बारे में जानकारी लेने नहीं आया। वहीं बच्चों की शिक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने ही चंदा इकट्ठा कर स्कूल भवन का निर्माण कराया, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। प्रशासन की इस बेरुखी के कारण यहाँ के लोगों में नाराजगी है। राजनपुर पंचायत में घुसखोरी का इस तरह चरम सीमा पे है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचारी इस तरह बढ़ा हुआ है, उस पे लगाम कसना बहुत ही जरूरी है। अभी जो है वर्तमान मुखिया के द्वारा जमीन दिलाने के नाम पे, इंदिरा आवास दिलाने के नाम पे, राशन कार्ड बनवाने के नाम पे जनता को लुभाने का प्रयास कर रहा है। ये बिल्कुल ही गलत है। आपने 5 साल में तो किया नहीं और इसने आप 5 दिन में क्या करेंगे? ये ऐसा नहीं होगा। मैं पूछता हूँ सभी उस प्रतिनिधि से जिसको मौका मिला 5 साल का, वो क्या किए? कुछ नहीं। गरीब के लिए कोई काम नहीं किए। आज जो ये देख रहे हैं आप, पुरनवास का जो मामला है, बिशनपुर पुरनवास, इतनी बड़ी यहाँ महादलित का बस्ती है और वहाँ पढ़ाने के लिए खुद लोग चंदा करके स्कूल बनाने का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रतिनिधि को तो डूब। मोतिहारी जिले के चलाहा पंचायत के वार्ड नंबर 7, 8 और 9 को नगर निगम में जोड़े जाने के बाद जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र की 95% भूमि खेती योग्य है और ऐसे में नगर निगम से जोड़कर किसान और मजदूरों पर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। लोगों ने समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री को आवेदन भेजा है। तो आपको बता दें कि मोतिहारी में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और मशाल जलाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।